कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पूरा सहयोग करते हुए घरों पर ही जुमे की नमाज अता की। लॉकडाउन के चलते मस्जिदें बंद रहीं। खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी समाज के लोगों से घरों पर नमाज अता करने की अपील भी की थी, जिसके बाद जुमे के दिन मस्जिदों पर सन्नाटा छाया रहा और मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों पर ही नमाज अता की। बिजनौर में सभी मस्जिदों में सन्नाटा छाया रहा, वहीं सिहारा में भी मस्जिदों में सन्नाटा देखने को मिला और लोगों ने घरों से ही नमाज अता की। इस मुश्किल वक्त में समाज द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। के प्रकोप बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जुमे के दिन उम्मीद के खिलाफ, जैसा हमें भी उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा हो सकता है, जुमे की इतनी महत्वपूर्ण नमाज होती है, लोग घरों में नमाज पढ़ेंगे, इसकी हमें खुद बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन आज उम्मीद के खिलाफ सिहारा की आवाम ने बहुत ज़बरदस्त जो है तरीके से ये फैसला लिया। एक चिड़िया का बच्चा भी शहर के अंदर नज़र नहीं आया। पूरे शहर के अंदर लोगों ने जुमे की नमाज घरों में अदा की आज। इसके लिए मैं सिहारा के इमामों का, शहर इमाम साहब ने जो कल अपील की थी और तमाम इमामों ने जो मस्जिद से अपील की, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। लोगों को पहले से पहले मस्जिद से उन्होंने ऐलान करके और तमाम अपील जारी करके मना किया कि आप मस्जिदों में ना आए। इसके अलावा मैं शहर प्रशासन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आगे भी सब लोगों से मेरी कोशिश है इसी तरह से लॉकडाउन का पूरी तरह से समर्थन करते रहें, जिससे हम जल्दी से जल्दी हमारा पूरा शहर और ये मुल्क कोरोना के प्रकोप से, कोरोना की महामारी से बच सकें।